online classes. In our last class, we discussed about morphology of flowering plants. We discussed about what is morphology. Morphology is a study of form and structure. And we discussed about some overview characters of root, stem, leaf, flowers and fruits. And today we will discuss about root. Then what is root? रूट क्या होता है, हमने ये देखा था लास्ट क्लास में भी, हमने बताया था कि रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है. रेडिकल जो होता है वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसमें अपर पार्ट जो होता है प्लूम्यूल होता है, उससे स्टेम डेवलप होता है, लोअर पार्ट रेडिकल होता है जिससे रूट डेवलप होती है. इस तरीके से हमने ये देखा था डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, रूट जो होती है डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. और ये जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का और नॉन ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स नहीं होते हैं इसलिए ये पार्ट नॉन ग्रीन होता है. और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करता है ना, इसलिए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है. एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर के अकॉर्डिंग मीन्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है. एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब away from light, that so we called that is negatively phototropic. And it is not differentiated into nodes and internodes like stem. जैसे stem में nodes और internodes होते हैं जहाँ से leaf, flowers, fruits वगैरह develop होते हैं, इस तरीके का कोई भी system root में नहीं होता है. root में कोई nodes और internodes नहीं होते हैं. और रूट का मेन फंक्शन होता है एंकरेज का, मतलब प्लांट को फिक्सेशन का काम करता है, प्लांट को फिक्स करता है एक जगह पर. तो ये एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं सॉइल से उसका एब्जॉर्प्शन का काम रूट के द्वारा किया जाता है. रूट में हम आगे पढ़ेंगे कि रूट हेयर्स मोस्टली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. और जो इसका लास्ट वन कैरेक्टर है कि इसमें लैटरल रूट्स जो होती है वो एंडोजिनसली डेवलप होती है. एंडोजिनसली मीन्स ये पेरी साइकिल से डेवलप होती है, जिसको हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे. तो इस तरीके से हमने रूट के नॉर्मल कैरेक्टर्स देखे थे. अब हम रूट के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि रूट कितने टाइप की होती है. अब हम देख रहे हैं कि जो रूट्स के टाइप है, रूट जो होती है वो तीन तरीके की होती है. टैप रूट जिसे हम हिंदी में मूसला मूल कहते हैं, फाइब्रस रूट जकड़ा मूल, एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक मूल. अब इनमें बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं हमें वो देखना होगा, इसी से ही हमें इनके कैरेक्टर्स का पता लग जाएगा. सबसे पहले हम इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ये डेवलप कहाँ से होती है, इनका ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये. तो टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है. जैसा कि हमने रूट के नॉर्मल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका जो लोअर पार्ट है रेडिकल, उससे रूट का डेवलपमेंट होता है. तो इटमीन्स टैप रूट जो होती है वो तो रेडिकल से ही डेवलप होती है. अब हम देखते हैं फाइब्रस रूट जो होती है. फाइब्रस रूट में क्या होता है, रेडिकल से रूट डेवलप तो होती है लेकिन वो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो इसलिए अब जो वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो स्टेम का जो लोअर नोड होता है उससे रूट्स डेवलप होती हैं इस तरीके से. तो इसे ये जो होती है फाइब्रस रूट लोअर नोड से डेवलप होती है. इस तरह से एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो रेडिकल से भी डेवलप नहीं होती हैं ना ही लोअर नोड से. एक्चुअल में एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो रेडिकल से डेवलप ना हो करके प्लांट के अदर पार्ट्स जैसे स्टेम से लीफ से डेवलप होती हैं. इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट स्टेम या लीफ से, फाइब्रस रूट लोअर नोड से ऑफ स्टेम, एंड टैप रूट जो होता है वो रेडिकल से डेवलप होती है. और अब हम इसका ओरिजिनेट देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो टैप रूट जो होता है वो डाइकॉट्स में पाया जाता है, फाइबर्स रूट मोनोकॉट्स में होती हैं और एडवेंटिशियस रूट मोस्टली मोनोकॉट्स में भी होती हैं. और इनके जो एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रायोफिलम जो होता है उसकी जो लीफ से रूट का डेवलपमेंट होता है. तो ये ब्रायोफिलम जो है एडवेंटिशियस रूट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि कई बार पेपर में आ चुका है. और ये जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है. और इस तरीके से जो टैप रूट जो होता है उसमें एक मेन रूट सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट. यही डीप तक पेनिट्रेट करता है सॉइल में, उसके बाद इसमें साइड में से ही रूट्स निकलती हैं. ये होती हैं ये होती है प्राइमरी रूट. और ये जो साइड में से ये रूट निकल रही है ये है सेकेंडरी रूट्स,
ये सेकेंडरी रूट्स हैं और इनसे जो रूट्स डेवलप हो रही हैं ये है टर्शरी रूट। इस तरीके से ये मिल करके बनाता है टैप रूट सिस्टम इस तरीके। और इसमें जो ये डीप तक पेनिट्रेट जो करती हैं वो प्राइमरी रूट्स करती हैं, जबकि फाइबर्स रूट और एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो डीप में पेनिट्रेट नहीं करती हैं जितना कि टैप रूट करती है। ओके, इस तरीके से हमने टैप रूट, फाइबर्स रूट और एडवेंटिशियस रूट में डिफरेंस देखा। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे जॉन्स ऑफ रूट अपेक्स। अब हमने जो रूट्स के टाइप देखे थे उसमें एक पॉइंट था कि एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो अंडरग्राउंड और एरियल दोनों हो सकती है, और जबकि जो टैप रूट और फाइबरस रूट वो हमेशा अंडरग्राउंड ही होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जॉन्स ऑफ रूट अपेक्स। रूट अपेक्स के डिफरेंट जॉन्स होते हैं जो कि हमने इस डायग्राम में प्रेजेंट किए हैं, जैसे रूट कैप है, मेरिस्टमेटिक रीजन है, इलोंगेशन रीजन है, रूट हेयर्स हैं एंड मैचुरेशन रीजन है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रूट कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली रूट कैप क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। रूट कैप जो होता है, जो अपेक्स रूट अपेक्स होता है वो बहुत ही टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, और जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके डैमेज होने का डर होता है, मतलब डैमेज हो सकता है वो। इसके लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप होती है। तो एक तरीके से रूट अपेक्स जो होता है वो रूट कैप के प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकंड जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट है कि ये एक म्यूसिलियस सिक्रेट करता है जिससे कि इसका सर्फेस जो होती है वो लुब्रिकेंट हो जाती है, तो सॉरी इससे वो इजीली सॉइल में पेनिट्रेट कर पाता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जो कि वाटर में डेवलप होते हैं, उनमें सॉइल में पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनमें रूट कैप्स की जगह पे रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, जैसे पिस्टिया एंड आइकोमिया, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और इसी तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल रूट कैप्स पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पेंडानस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस तरीके से रूट कैप का क्या काम होता है, वो रूट अपेक्स को प्रोटेक्शन का काम करता है। मेनली रूट कैप का यही काम होता है। और ये कैसे कर पाता है, और ये सीक्रेट करता है म्यूसिलिस जिससे कि ये लुब्रिकेंट हो जाती है इसकी सरफेस, और वो डीपली पेनिट्रेट कर पाता है इससे सॉइल में। और ये इसमें हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप की जगह पे रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, जिसके एग्जांपल हैं पिस्टिया और आइकोमिया। और मल्टीपल रूट कैप किस में पाया जाता है, पेंडानस में। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टमेटिक रीजन। अब हम बात कर रहे हैं जो मेरिस्टमेटिक रीजन, जो रूट अपेक्स का सेकंड जोन है मेरिस्टमेटिक रीजन, जो कि रूट अपेक्स के सॉरी रूट कैप के जस्ट अबव होता है, कुछ फ्यू मिलीमीटर्स का ही होता है, बहुत ही छोटा रीजन होता है ये। और इसमें जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, डेंसली साइटोप्लाज्म होता है इसमें, वैक्यूल एब्सेंट होती है, और इनमें डिवीजन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ करती हैं बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, बिकॉज डिवीजन के द्वारा इसमें न्यू सेल्स जब बनती रहती हैं, और ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए ये पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें मेरिस्टमेटिक रीजन में बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी सेल्स जो होती हैं थिन वॉल्ड हैं, डेंसली साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल एब्सेंट है, एंड हैव द पावर ऑफ डिवीजन। इट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैव द पावर ऑफ डिवीजन। एंड अब हम थर्ड रीजन इलोंगेशन रीजन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो ये इलोंगेशन रीजन है, इलोंगेशन रीजन जो है वो जस्ट मेरिस्टमेटिक रीजन के ऊपर होता है, 4 to 8 mm लंबा होता है ये इलोंगेशन रीजन। इस रीजन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन की कैपेसिटी खो चुकी होती हैं, जो कि मेरिस्टमेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी थी इनमें डिवाइड होने की, जबकि इलोंगेशन रीजन में ये सेल्स जो होती हैं इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती और ये इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए ही इलोंगेशन रीजन कहते हैं इसको। और सो दे इलोंगेट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, और इनके इलोंगेट होने की वजह से ही रूट की जो है लेंथ इंक्रीज होती है। इस तरीके से ये मेरिस्टमेटिक रीजन के बाद था इलोंगेशन रीजन, एंड इलोंगेशन रीजन के बाद में ये है मैचुरेशन रीजन।
मैच्योरेशन रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें रूट हेयर्स होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में। रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है वो थिक होता है काफी, और इसमें इसका मेन फीचर ये है कि इसमें सेल्स डिफरेंशिएटेड होना शुरू हो जाती हैं, मतलब सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसीलिए इसको सेल डिफरेंशिएशन रीजन भी कहते हैं। इसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम ये सब डेवलप हो जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो कि आपको कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, तो इन्हीं की वजह से ही फूड्स और मिनरल्स का इस तरीके से कंडक्शन का काम होता है। तो रूट्स में सेल डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन रीजन में होता है। अब हम पढ़ेंगे रूट हेयर्स के बारे में। अब हम देखते हैं रूट हेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये रूट अपेक्स का। यही मोस्टली एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रूट हेयर्स कहाँ होते हैं? मैच्योरेशन रीजन में होते हैं। और ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं? ये मैच्योरेशन रीजन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे पेरिफेरस लेयर या फिर एपिग्लेमा भी कहते हैं, उससे प्रोड्यूस होते हैं रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स कैसे होते हैं? इलॉन्गेटेड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेल्युलर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है। और ट्यूबुलर होते हैं, और इन्हीं का ही सॉइल पार्टिकल से कॉन्टैक्ट रहता है। और ये इस तरीके से होते हैं क्योंकि कोई चीज़ एक तो ये है और एक ये है, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसीलिए रूट हेयर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के होते हैं। और ये शॉर्ट लाइफ होते हैं, मतलब 10 to 15 days ही इनकी लाइफ होती है, उसके बाद में दूसरे रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से हमने रूट हेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और सेकंड ये यूनिसेल्युलर होते हैं, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। तो इस तरीके से हमने रूट के बारे में पढ़ा, रूट के कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स देखे, फिर हमने टाइप ऑफ रूट देखा, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइबरस रूट सिस्टम, जिसका मेन डिफरेंस ये था कि टैप रूट जो रेडिकल से डेवलप होता है, फाइबरस रूट जो है वो लोअर नोड से डेवलप होता है, और जबकि एडवेंटिशियस रूट जो होता है वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से डेवलप होता है, लाइक लीफ स्टेम, जिसमें हमने एग्जाम्पल ब्रायोफिलम का देखा था। इस तरीके से हमने लीफ के टाइप रूट के टाइप्स देखे, और उसके बाद में हमने रूट अपेक्स के डिफरेंट जॉन्स, रूट कैप के बारे में बात किया, जो कि रूट अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेरिस्मेटिक रीजन के बारे में, जो कि मोस्टली डिवीजन कैपेसिटी रखता है, एंड इलोंगेशन, जिसमें सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी खोकर इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैचुरेशन रीजन, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूट अपेक्स, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं। इस तरीके से हमने रूट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रूट मॉडिफिकेशंस का। कई बार रूट जो होते हैं वो प्लांट फिक्सेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम ना करके फूड स्टोरेज का या रेस्पिरेशन का, इस तरीके से कुछ अदर वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें रूट मॉडिफिकेशंस को पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।